Hello students, this is CA Mandeep Bhardwaj and we are going to start our commerce classes under the banner of Education Empower and this is also our YouTube channel. और इस पार्टिकुलर फर्स्ट वीक में हम लोग जो भी अकाउंट्स पे डिस्कशन करेंगे वो हमारे टॉपिक्स होंगे बेसिक स्क्वायर्स ऑफ अकाउंटिंग कि जो अकाउंटिंग अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं उस अकाउंटेंसी में जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो टर्मिनोलॉजी का एवरी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या होगा, किस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है और वो पार्टिकुलर वर्ड किस पार्टिकुलर चैप्टर पर जाकर कहां पर किस तरीके से हमें यूज करना है. And secondly, double entry system, जो हम लोग पार्टिकुलर सुनते हैं, that's debit and credit. ये debit and credit हमारे सब्जेक्ट में कहाँ रोल प्ले करते हैं और इनका रोल कितना होगा और किस तरीके से हम लोगों को इस debit और credit को यूज करना है. और लास्ट में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग कि जो एक ऐसा सब्जेक्ट आज वर्ल्ड लेवल पे यूज किया जाता है, चाहे वो स्मॉल लेवल का बिजनेस हो, चाहे वो मिडिल लेवल का बिजनेस हो और चाहे बहुत इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस हो, हर पार्टिकुलर बिजनेस में अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लार्ज लेवल से और स्मॉल लेवल एवरी लेवल पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट जो डेवलप हुआ और आज इतने वर्ल्ड लेवल पे यूज हो रहा है तो वो बना कहां से, उसका फाउंडर कौन था, उसने किस तरीके से ऐसा क्या बनाया कि आज एक सब्जेक्ट बिल्कुल अलग हो गया और बिजनेस के एवरी फील्ड और एवरी सेगमेंट में यूज होने लग गया है. उस पार्टिकुलर पर्सन का नेम क्या होगा, उस पर्सन ने कहां से सर्च किया, उसने कैसे डेबिट और क्रेडिट बनाया, क्या रूल डेवलप किए, कहां से वो पर्सन ने को इस अकाउंटेंसी को बनाने के आइडियाज माइंड में आए, वो सारे हम लोग इस लेक्चर्स में अपने पढ़ने जा रहे हैं. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फ्यूचर में एक हमारे अकाउंटेंसी की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे एजुकेशन एम्पावर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.